इसका मेन जो एजेंडा मैं स्टार्ट करूं ऑर्फिनेज होम ओनली फॉर गर्ल्स के नाम पे, मगर मैं इसका नाम यतीम खाना नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरे पास जो बच्ची आए वो अपने आप को कभी यतीम ना समझे, वो अपने आप को मेरी बेटी समझे, इस दुनिया की एक अच्छी वो समझे, माहौल समझे कि ये मेरा घर है। तो मैंने अपने ही थिंकिंग से इसका नाम फेरी होम रखा, परियों का घर। मेरा नाम फरजाना खोसो है, मैं डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ, उसके अलावा मैं वुमेन इश्यूज पे सोशल एक्टिविस्ट हूँ, काम करती हूँ, और मेरा एक ऑर्फिनेज होम है फेरी होम के नाम से, मैं उसकी फाउंडर हूँ। मैं सेशन कोर्ट में बैठी हुई थी, कोई लेडी बच्ची को छोड़ के चली गई थी, तो वहाँ क्वेश्चन मार्क्स ये हो रहे थे कि सखर में कोई ऐसा लड़कियों का इदारा नहीं है कि इस बच्ची को वहाँ रखा जाए। वहाँ उस वक्त टेम्प्रेरी कस्टडी किसी इंस्टीट्यूट में दिया गया था, तो वहाँ 100 से ज़्यादा लड़के थे, तो एक बच्ची के लिए ये चीज़ें थोड़ी इश्यूज़ हैं जो आजकल हमारे सिस्टम में चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस चल रहे हैं, क्योंकि बच्ची की ग्रोइंग एज हो रही है। तो मेरे माइंड में ख्याल आया, उस वक्त मैं बैठी थी तो मैं सबके साथ ऐसे डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा कि हम कोई ना ऐसा लड़कियों का इदारा खोलें साथ मिलके, वकील साहबान मिलके ना, मतलब कि लोग मुझे डिस्करेज करने के पीछे ज़्यादा होते थे। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि हाँ खोलो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो मेरा जो थिंकिंग पावर ज़्यादातर चेंज उस पॉइंट पे हुआ था कि जहाँ लड़कों के इंटीरियर सिंध में इदारे हैं, उनके लिए सरपरस्ती का काम हो रहा है, उनको एजुकेट किया जा रहा है, उनको इम्पावर किया जा रहा है, तो वहाँ लड़कियाँ भी बेसहारा हो सकती हैं, उनको भी इम्पावर करने की ज़रूरत है, उनकी भी यतीमी वाली ज़िंदगी गुजर सकती है, वो भी गरीब हो सकते हैं, तो उनके लिए भी कोई ऐसा शेल्टर होम होना चाहिए उनके, उनको जो एजुकेट करे, उनको तरबियत दे। बस उस सोच को लेकर आई थी कि ऐसे बच्चियों का साथ दूँ जो आगे बढ़ के मुआशरे में कारामद शहरी बन सकें। जब मैं रजिस्टर करवा रही थी और मैं जब स्टार्ट करवा रही थी, तो रियल ग्राउंड ये है कि मेरे हस्बैंड ने कहा, जैसे तुम काम करती हो, लीगल एड प्रोवाइड कर रही हो, श्योरिटीज़ की बंदोबस्त कर रही हो और काम कर रही हो, तो ये काम करो मगर लड़कियों का इदारा नहीं खोलो। मैंने कहा कि मैं अपना सब कुछ दूंगी, मगर मैं अपना प्रैक्टिस भी शायद छोड़ दूं, मगर मैं फेरी होम स्टार्ट करूंगी। हाँ माशाल्लाह, मेरे अपने दो बेटे हैं, मुझे कभी बेटी की कमी फील नहीं हुई, मगर मैं अब समझती हूँ कि मेरे पास 70 बेटियाँ हैं। मैं लोगों को कहती हूँ कि मेरी 70 बेटियाँ हैं और दो बेटे हैं। शादी मेरी, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, बलोच कम्युनिटी से, तो वहाँ अर्ली एज में शादी होती है, 12-13 साल की उम्र में शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे यहाँ लड़कियों का एजुकेशन का कॉन्सेप्शन नहीं था, 3-4 जमातें पढ़ा के घर में बिठा देते थे कि लड़की पढ़ के क्या करेगी। जब मैंने शादी की तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। माशाल्लाह उसका सपोर्ट है, उसने साथ दिया, उसने कहा अगर तुम्हें पढ़ने का शौक़ है तो मैं तुम्हारा साथ दूँगा। तो उसने ही मुझे, जब मैं स्कूल जाती थी, मुझे याद है वो मुझे स्कूल खुद छोड़ के आते थे। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरा बड़ा बेटा मुझे हुआ था, तो मेरे लिए ये टाइम पीरियड ज़रा मुश्किल था, क्योंकि मैं रेगुलर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट भी रहूं और अपने बच्चे को भी मैनेज करूं, अपने घर को भी मैनेज करूं, ये मेरे लिए एक बहुत टफ टाइम था। आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने जब मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया, तो लोगों की ये बातें कि ये अब घर नहीं संभालेगी, तुम्हें नहीं संभालेगी, बस ये तालीम हासिल करेगी, ये बाहर निकलेगी। मेरे अपने करीबी मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे कि ये इसने पढ़ा है और ये मीडिया में आती है, ये लोगों से बात करती है, ये पुलिस वालों के साथ बैठी होती है, मतलब कि मेरे करेक्टर पे उंगलियाँ उठने लगी, 100 तरह के सवाल उठने लगे। तो मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ, आज मेरे गांव की लड़कियाँ सब तालीम याफ्ता हो गई हैं, मेरे इन लॉज में या मेरे पेरेंट्स की तरफ से सब किसी न किसी फील्ड में, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई नर्स है, कोई किसी न किसी फील्ड से है।